DU असल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में हैं और जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उनके लिए उनकी क्लासेस का शेड्यूल फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस की बात करने वाला हूं, और यहां पर कुछ हम PG कोर्सेज की क्लासेस की बात करेंगे जो कि थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग है। तो कहां पर आपकी क्लासेस लगने वाली हैं ये पूरा वीडियो उसी के लिए बनाया जा रहा है। तो पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम आपको ऑनलाइन मोड पर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है, 31 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया DU सोल के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें ये डिटेल मेंशन है। पूरा वीडियो ना बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आए कौन सी क्लासेस मेरी कहाँ हो रही हैं। देखो, एक से लेकर तीन नंबर तक अगर आप ध्यान से देखेंगे, MA, MCOM, MBA, ये तीनों PG के कोर्सेज हैं, इनकी क्लासेज हैं थर्ड सेमेस्टर की। कोएड जेंडर में लिखा हुआ है, कोएड यानी कि मेल फीमेल दोनों जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और क्लासेस शुरू हो रही हैं 18 अगस्त से। और अगर MA की बात करूं तो क्लासेस होंगी फैकल्टी ऑफ आर्ट नॉर्थ कैंपस में, और अगर MCOM की बात करें तो क्लासेस होंगी श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और MBA की बात करें तो वहाँ होगी सत्या काम भवन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब बात करते हैं अपने UG कोर्सेज की, कहाँ कहाँ पर और किस किस दिन क्लासेस हो रही हैं। देखिए, UG कोर्सेज की भी सारी क्लासेस अगर आप देखेंगे तो कुछ क्लासेस 18 अगस्त से शुरू हो रही हैं और कुछ क्लासेस आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें समझ लेते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों की क्लास 18 अगस्त को होगी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, कोएड है ये क्लास। BBA फाइनेंशियल फाइनेंस की बात करें तो ये भी फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स में होगी 18 तारीख को ही। BMS भी 18 अगस्त को होगी, ये भी फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स में होगी। BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करें, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर कोएड ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में होने वाली है 18 ही अगस्त को। उसके अलावा आप ध्यान से सुनिएगा, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, फीमेल की क्लासेज होंगी कैंपस लॉ सेंटर में, और मेल कैंडिडेट की क्लासेज होंगी शिवाजी कॉलेज में। इसके अलावा आप देख लीजिए, BA साइकोलॉजी की क्लासेज हैं 18 अगस्त को ही। BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों की क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी, 18 अगस्त से नहीं होंगी, 1 सितंबर से, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हो रही हैं लॉ सेंटर 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस हैं आपकी शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। इसके अलावा BCOM ऑनर्स की जो क्लासेस हैं आपकी, फीमेल की दौलतराम कॉलेज में 18 अगस्त से, BCOM ऑनर्स मेल की क्लासेस हैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, दोनों ही थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की। BCOM प्रोग्राम जो है, फीमेल की क्लासेस और मेल दोनों की क्लासेस BCOM प्रोग्राम की 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी। फीमेल की क्लासेस हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में, और मेल की क्लासेस लगेंगी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में। उसके अलावा BA प्रोग्राम जो है आपका थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, फीमेल की क्लासेस कुछ क्लासेस रामजस कॉलेज में, कुछ रामानुजन कॉलेज में, और उसके अलावा बाकी जो क्लासेस हैं मेल के लिए सत्यावती कॉलेज एंड श्री अरबिंदो कॉलेज। ये आपका ऑफिशियल अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, DU सोल की वेबसाइट पर, वहाँ आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो इसमें साफ साफ समझ में आ गया कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ आपकी क्लासेस होनी है, और कुछ क्लासेस वापस से बता देता हूँ, 18 अगस्त से स्टार्ट हैं और कुछ क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हैं। तो आप थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, अपने कोर्स के हिसाब से देख लीजिए आप मेल हैं फीमेल हैं, उसके हिसाब से कि आपको कौन से कॉलेज में इन क्लासेस को लेने जाना होगा। हालांकि इन क्लासेस का जो भी SMS होगा वो सभी के ऑफिशियल, जो भी आपने नंबर दिया है DU सोल के अंदर, वहाँ पर भी आएगा आपके पास SMS, इसके अंदर आएगा ज़रूर सबके पास ऑफिशियली ये नोटिस ज़रूर, ये SMS ज़रूर पहुँचता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक कर देना अगर कुछ लगा हो भी, कुछ वैल्यूएबल मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।